For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. जैसे जैसे फिल्म भारत की रिलीज डेट नजदीक आती जा रही है, फिल्म के प्रमोशंस और भी दमदार होते जा रहे हैं। और प्रमोशंस के इस दौर में कपिल शर्मा का शो कैसे पीछे रह सकता है? आखिर ये मंच इतना फेमस इसलिए है कि कई सेलिब्रिटीज यहाँ अपनी फिल्म्स प्रमोट करते नजर आते हैं, तो शो के प्रोड्यूसर सलमान खान इस मंच पर प्रमोशन कैसे ना करते। ऐसे में सलमान खान और कटरीना कैफ पहुँचे द कपिल शर्मा शो के सेट्स पर, जहाँ दोनों ने होस्ट कपिल शर्मा के साथ मिलकर खूब एंजॉय किया। मगर शो का हाईलाइट तो तब था जब सलमान ने भारती सिंह के साथ किया एक रोमांटिक डांस। आप सबको याद होगा कि बिग बॉस के पिछले सीजन में भारती ने एक एपिसोड में सलमान की पत्नी बनने का दावा किया था, और अब द कपिल शर्मा शो पर इन दोनों के क्यूट रोमांस को देखकर हम सब खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। और आप सलमान खान की अपकमिंग फिल्म भारत के रिलीज होने में एक महीना भी नहीं बचा, और ऐसे में इस फिल्म के प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म पर भाईजान का जलवा छा जाता है। हमने हाल ही में द कपिल शर्मा शो पर भी उनके और भारती सिंह की एक पिक देखी, जहां दोनों कुछ रोमांटिक पल इंजॉय कर रहे थे। और फिर सारेगामा पा लिटिल चैंप्स में भी हमने भाईजान को स्टेज पर डांस करते देखा, और अब जो वो अपनी मैडम सर कटरीना कैफ के साथ संकेत भोसले के शो बाबा की चौकी का हिस्सा बने, यहां भी उन्होंने खूब धमाल मचाया। इस शो पर उन्होंने अपनी फिल्म भारत को प्रमोट भी किया, और साथ ही कैट और होस्ट डॉक्टर संकेत भोसले के साथ मिलकर धमाल और मस्ती भी की। इन मजेदार पलों को उन्होंने एक स्पेशल सेल्फी के जरिए कैप्चर भी कर लिया, और अब इस सेल्फी को देखकर हम सब काफी इम्प्रेस्ड हैं। और आप जैसे जैसे फिल्म भारत की रिलीज डेट नजदीक आती जा रही है, फिल्म के प्रमोशंस और भी दमदार होते जा रहे हैं, और प्रमोशंस के इस दौर में कपिल शर्मा का शो कैसे पीछे रह सकता है? ऐसे में सलमान खान और कटरीना कैफ पहुंचे पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो के सेट्स पर, जहां इन दोनों ने होस्ट कपिल शर्मा के साथ मिलकर खूब इंजॉय किया। मगर शो का हाईलाइट तो तब था जब कटरीना कैफ ने अपने डांस के जलवे से सभी को किया एंटरटेन। माय माय माय, डांस करते हुए तो कैट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, और एक असली मोहिनी की तरह हम सबको अपने डांस मूव से वश में कर लेती हैं। तो आप कपिल शर्मा शो पर कटरीना कैफ के डांस मूव्स को देखकर आपको कैसा लगा, ये हमें जरूर बताएं। कल इलेक्शन रिजल्ट्स के चलते पूरे देश का तापमान काफी बढ़ा हुआ था, और ऐसे में सलमान खान ने भी अपने एक्शन से इस बढ़ते हुए तापमान को और बढ़ा दिया। जी हाँ, बीजेपी की जीत के बाद सलमान ने सोशल मीडिया पर अपनी एक शर्टलेस पिक्चर शेयर की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, चिलिंग एंड वॉचिंग स्वच्छ भारत फिट भारत। अब इस पोस्ट से उन्होंने एक बार फिर मोदी जी के इनिशिएटिव्स की तारीफ भी की, और साथ ही अपनी सेक्सी शर्टलेस बॉडी को फ्लॉन्ट भी किया। अब इस पोस्ट को देखकर सलमान खान के डाई हार्ट फैन वरुण धवन खुद को रोक नहीं पाए, और उन्होंने रिप्लाई करते हुए लिखा, भाई हैज जस्ट टर्न्ड 18। आप सबको पता होगा कि फिल्म भारत में भी सलमान को जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पार करते हुए दर्शाया गया है, और इस फिल्म में हम उन्हें उनके मैंने प्यार किया वाले रूप में भी देख सकेंगे। ऐसे में सलमान की चिजल्ड शर्टलेस पिक को देखकर आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। फिल्म भारत धीरे धीरे रिलीज डेट के करीब आती जा रही है, और ऐसे में सलमान और कटरीना कई बार मीडिया से इंटरेक्ट करते भी नजर आ रहे हैं। एक ऐसे ही इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने एक बार फिर बनाया प्रियंका चोपड़ा को अपना निशाना। जी हाँ, सलमान इस बात से अब तक नाराज हैं कि प्रियंका ने एन वक्त पर उनकी फिल्म छोड़ दी, लेकिन साथ ही वो खुश भी हैं कि इसके चलते कटरीना कैफ को ये फिल्म मिल गई, और अब वो चाहते हैं कि कैट को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिले। पर जब भी उन्हें कोई मौका मिलता है तब वो पीसी का मजाक जरूर उड़ाते हैं। ऐसे में उन्होंने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा, शी इज नॉट देयर इन द फिल्म भारत, बट शी कैन हेल्प इन द प्रमोशंस ऑफ द फिल्म बिकॉज शी हैड ऑल्सो लव्ड द स्क्रिप्ट एंड ओवर भारत शी चोज USA इन द निक ऑफ टाइम। इतना ही नहीं, सलमान ने हंसते हुए ये भी कहा कि शी इज गॉट द बिगेस्ट फिल्म ऑफ अ लाइफ एंड शी डम्प्ड द फिल्म एंड गॉट मैरिड।
तो सलमान के स्टेटमेंट को सुनकर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। सलमान खान और कटरीना कैफ इन दिनों अपनी आगामी फिल्म भारत के प्रमोशंस में काफी बिजी हैं। एक धमाकेदार तरीके से इन दोनों ने आईपीएल 2019 के ग्रैंड फिनाले से अपनी फिल्म के प्रमोशन को किक स्टार्ट किया और तब से उन्होंने कई मंचों पर अपनी फिल्म को प्रमोट किया है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए इन दोनों ने सारेगामा पा लिटिल चैंप्स के सेट पर कदम रखा और यहां इन दोनों ने खूब धमाल मचाई। सलमान खान तो बच्चों के साथ मानो खुद अपना बचपन एक बार फिर जी रहे थे और उन्होंने कंटेस्टेंट्स के साथ मिलकर गाना भी गाया और अपने तूफानी डांस से स्टेज पर आग भी लगा दी। इतना ही नहीं, जब कंटेस्टेंट पिकोसा मोहारकर ने स्टेज पर अपने योडलिंग टैलेंट से सभी को इम्प्रेस किया तो कटरीना कैफ ने हंसते हुए सलमान खान से कहा कि अगर तुम इस तरह योडल करोगे तो कुछ भी करने के लिए मैं रेडी हूँ। अब कैट के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए सलमान स्पॉटिंगली स्टेज पर गए और कैट के लिए योडल करने लगे। सलमान खान को स्टेज पर अपना योडलिंग टैलेंट डिस्प्ले करता हुआ देखकर कोई भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया और उनके स्पॉटिंग एक्ट ने शो पर चार चांद लगा दिए। अब सलमान के इस योडल एक्ट के क्लिप्स को देखकर हम सब काफी इम्प्रेस्ड हैं। और आप? सुनील ग्रोवर फिल्म भारत में सलमान खान के साथ एक अहम भूमिका में नजर आएंगे और इस मौके के लिए वो सलमान खान की काफी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बार सलमान की एक बात मानने से साफ मना कर दिया है। ऐसी कौन सी बात थी जो सुनील ने नहीं मानी? ये तो सभी जानते हैं कि सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा काफी अच्छे दोस्त रह चुके हैं और सुनील कपिल को अपने भाई से बढ़कर मानते थे, लेकिन 2 साल पहले दोनों के बीच हुए मिड एयर फाइट से सब कुछ बदल गया और सुनील ने कपिल का शो ही नहीं बल्कि उनका साथ भी छोड़ दिया। मगर अब जो सुनील फिल्म भारत का हिस्सा बने हैं तो सभी को लगा था कि वो अपनी फिल्म को प्रमोट करने कपिल शर्मा के शो पर जरूर आएंगे। इनफैक्ट सलमान खान ने खुद इस बारे में बात भी की थी, पर सुनील टस से मस नहीं हुए और उन्होंने शो का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। तो जहां सुनील ने आईपीएल ग्रैंड फिनाले में भी अपनी फिल्म भारत को प्रमोट किया, वहीं कपिल शर्मा के शो पर उन्होंने जाने से साफ मना कर दिया और इस कारण वहां सिर्फ सलमान खान और कटरीना कैफ ही आए नजर। हालांकि इन दोनों ने मिलकर भी शो पर चार चांद लगा ही दिए, मगर सुनील के आने से समा कुछ और ही होता है ना। नौरा फतेही इन दिनों काफी खुश हैं क्योंकि फिल्म भारत से उनका तुरपय गाने को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। इस गाने में वो सलमान खान के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रही हैं। अब हालांकि कई लोगों को ये सिर्फ एक आइटम सॉन्ग लग रहा है, एक इंटरव्यू के दौरान नौरा ने क्लैरिफाई किया है कि ये एक सिचुएशनल नंबर है। नौरा ने ये भी कहा कि फिल्म में वो सुनील ग्रोवर की पत्नी का रोल निभा रही है और ये गाना उनके और उनके पति के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। नौरा ने आगे ये भी कहा कि हालांकि फिल्म में उनके सिर्फ 2 सीन्स है, फिर भी उन्हें शूट करने में उन्होंने काफी एंजॉय किया। और अब आगे वो अपनी फिल्मों में ज्यादा से ज्यादा एक्टिंग बेस्ड रोल्स करती नजर आएंगी। इन दिनों नौरा दुबई में वरुण धवन के साथ स्ट्रीट डांसर 3D की शूटिंग में बिजी हैं और उन्हें अब फिल्म भारत की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। नौरा के इस एटीट्यूड को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आगे उनका करियर ग्राफ कोई नया मोड लेने वाला है। तो क्या आप भी नौरा को अब नए एक्टिंग बेस्ड रोल्स में देखने के लिए एक्साइटेड हैं? हमें जरूर बताएं। कल भारत में 2019 के इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे। सवेरे से ही पूरे देश भर में एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन का माहौल था और आखिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत हासिल हुई तो कई लोगों के बीच खुशी की लहर छा गई। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बी टाउन के कई सेलिब्रिटीज भी उनकी जीत का जश्न मनाते नजर आए और कई स्टार्स ने तो सोशल मीडिया के जरिए मोदी जी को बधाई भी दी। इन स्टार्स में से सबसे पहले नाम आता है सलमान खान का। जी हाँ, जीत के बाद सलमान खान ने नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट करते हुए लिखा, मेनी कंग्रेचुलेशंस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन योर डिसाइसिव विक्ट्री। वी स्टैंड बाय यू इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर इंडिया।
आप सबको पता होगा कि मोदी जी और सलमान खान एक दूसरे को काफी रिस्पेक्ट करते हैं और इलेक्शंस के दौरान खुद नरेंद्र मोदी ने सलमान से कहा था कि वो अपने फैंस को वोट करने के लिए मोटिवेट करें। इसके बाद सलमान ने ठीक वैसा ही किया और अपने फैंस को इलेक्शंस का हिस्सा बनने की सलाह दी। और अब एक बार फिर जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ रही है तो सलमान ने कंग्रेचुलेट करते हुए उन्हें अपना समर्थन दिया है। आप इसी को कहते हैं एक सच्चे नागरिक की पहचान, है ना? जैसे जैसे फिल्म भारत की रिलीज डेट नजदीक आती जा रही है, फिल्म के प्रमोशंस और भी दमदार होते जा रहे हैं। और प्रमोशंस के इस दौर में कपिल शर्मा का शो कैसे पीछे रह सकता है? आखिर ये मंच इतना फेमस इसलिए है कि कई सेलिब्रिटीज यहाँ अपनी फिल्म्स प्रमोट करते नजर आते हैं, तो शो के प्रोड्यूसर सलमान खान इस मंच पर प्रमोशन कैसे ना करते। ऐसे में सलमान खान और कटरीना कैफ पहुँचे द कपिल शर्मा शो के सेट्स पर, जहाँ दोनों ने होस्ट कपिल शर्मा के साथ मिलकर खूब एंजॉय किया। मगर शो का हाईलाइट तो तब था जब सलमान ने भारती सिंह के साथ किया एक रोमांटिक डांस। आप सबको याद होगा कि बिग बॉस के पिछले सीजन में भारती ने एक एपिसोड में सलमान की पत्नी बनने का दावा किया था और अब द कपिल शर्मा शो पर इन दोनों के क्यूट रोमांस को देखकर हम सब खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। और आप इलेक्शन रिजल्ट्स के चलते पूरे देश का तापमान काफी बढ़ा हुआ था और ऐसे में सलमान खान ने भी अपने एक्शन से इस बढ़ते हुए तापमान को और बढ़ा दिया। जी हाँ, बीजेपी की जीत के बाद सलमान ने सोशल मीडिया पर अपनी एक शर्टलेस पिक्चर शेयर की जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, चिलिंग एंड वॉचिंग स्वच्छ भारत फिट भारत। अब इस पोस्ट से उन्होंने एक बार फिर मोदी जी के इनिशिएटिव्स की तारीफ भी की और साथ ही अपनी सेक्सी शर्टलेस बॉडी को फ्लॉन्ट भी किया। अब इस पोस्ट को देखकर सलमान खान के डाई हार्ट फैन वरुण धवन खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने रिप्लाई करते हुए लिखा, भाई हैज जस्ट टर्न्ड 18। आप सबको पता होगा कि फिल्म भारत में भी सलमान को जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पार करते हुए दर्शाया गया है और इस फिल्म में हम उन्हें उनके मैंने प्यार किया वाले रूप में भी देख सकेंगे। ऐसे में सलमान की चिजल्ड शर्टलेस पिक को देखकर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं।